इमरान हाशमी की एक आइकॉनिक फिल्म है जिसका नाम है मर्डर टू। मर्डर टू 2011 में रिलीज हुई थी। मर्डर टू के गाने बेहतरीन है, मर्डर टू एक फिल्म बहुत बेहतरीन है, मर्डर टू जिस कहानी पर आधारित है वो कहानी भी बेहतरीन है। बट मैं बात करने वाला हूँ मर्डर टू के विलेन के बारे में, जिनका असली नाम है प्रशांत नारायण, जिन्होंने उस फिल्म में कैरेक्टर प्ले किया था धीरज पांडे का। अब आई डोंट थिंक कि सन 2005 के बाद कोई भी ऐसा विलेन आया है जिसने इतना बेहतरीन विलेन का कैरेक्टर प्ले किया जितना प्रशांत नारायण ने धीरज पांड्या का कैरेक्टर प्ले किया था इन द फिल्म मर्डर टू। ऑफ कोर्स सिंघम के प्रकाश राज की बात होती है, दबंग के छेदी सिंह जो सोनू सूद ने प्ले किया उसकी बात होती है, वगैरह वगैरह। बट आई पर्सनली थिंक कि लिटरली जो धीरज पांड्या कैरेक्टर प्रशांत नारायण ने प्ले किया है, इट वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। इट वॉज ऑन अ डिफरेंट लेवल ओनली ऑल टुगेदर। प्रकाश राज ने जो कैरेक्टर प्ले किया था सिंघम में, या सोनू सूद ने जो कैरेक्टर प्ले किया था दबंग में, वो तो फिर भी थोड़ा टेम्पलेट ड्रिवन कैरेक्टर्स थे यार। वैसे कैरेक्टर्स हिंदी फिल्म से पहले भी रहे हैं और उस टाइम पे सिंघम और दबंग में वैसे कैरेक्टर्स थे, बट जो कैरेक्टर धीरज पांडे का प्रशांत नारायण ने प्ले किया है वैसा कैरेक्टर शायद ही कभी हिंदी फिल्म में रहा हो। एंड द वे धीरज पांडे पोर्ट्रेट दैट कैरेक्टर यार कंप्लीटली सिक्सा, वो एक कंप्लीट सिक्सा था। और यहाँ पे पूरा क्रेडिट जाना चाहिए भट्ट कैंप को, महेश भट्ट एंड मुकेश भट्ट को, एंड मोहित सूरी जो फिल्म के डायरेक्टर थे, जिन्होंने प्रकाश नारायण जैसे टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उनको ग्रूम किया और इतना आइकॉनिक कैरेक्टर उनको प्ले करने के लिए दिया। एंड मर्डर टू जब आप देख के थिएटर से बाहर निकलते हो तो ऑफ कोर्स फिल्म के गाने बेहतरीन है, फिल्म का म्यूजिक बेहतरीन है, फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर बेहतरीन है, फिल्म की कहानी बहुत बेहतरीन है, फिल्म एक इमर्सिव एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करती है, इमरान हाशमी और जैकलिन फर्नांडिस के इरोटिक सीक्वेंसेस वगैरह वगैरह। बट धीरज पांडे का जो कैरेक्टर है जो प्रशांत नारायण ने प्ले किया है वो लिटरली आपके रूह में उतर जाता है, वो लिटरली आपके रूह में उतर जाता है। एंड आई रिमेंबर उस टाइम पे बहुत से लोग बात कर रहे थे यार कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को एक विलन मिल गया है आफ्टर अमरीश पुरी, जिसको हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ग्रूम करेगी और उसको आइकॉनिक विलन के रोल्स मिलेंगे और वो इंडस्ट्री में अच्छा करेंगे वगैरह वगैरह। और लोग 2-3 साल तक वेट भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद भी धीरज पांडे जैसा आइकॉनिक एक्टर निभाने के बाद भी प्रशांत नारायण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लिटरली काम नहीं मिला, लिटरली प्रशांत नारायण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। जो फिल्म प्रशांत नारायण ने की आफ्टर मर्डर टू उनके नाम ये है, राइट। एक फिल्म है जिसका नाम है सिगरेट की तरह, मुंबई मिरर, इश्क ढिशकिया हूं, द सैटरडे नाइट, सेवेंथ डे, अमर मस्ट डाई, पीटर गया काम से, मुंबई के डांसवाला, फ्रेडरिक, पीएम नरेंद्र मोदी, विवेक ओब्रॉय की फिल्म, उसको मैं जानता हूँ, बाकी किसी फिल्म को जो अभी तक मैंने गिना मैं नहीं जानता। एंड देन पिछले साल को एक कन्नड़ा फिल्म आई है गोस्ट, उसमें प्रशांत नारायण थे। एंड उसके अलावा प्रशांत नारायण ने कोई भी फिल्म नहीं की है। ये जो भी फिल्म के लिस्ट के नाम मैंने अभी पढ़े हैं इनको आप बोल सकते हो दे आर बी ग्रेट फिल्म या मे बी दीज आर फिल्म दैट डोंट मैटर, दीज आर लिटरली फिल्म दैट डोंट मैटर। शायद ही किसी ने इनमें से किसी फिल्म का नाम सुना होगा। मैंने ढिशगांव फिल्म का नाम सुना है और पीएम नरेंद्र मोदी फिल्म का नाम सुना है। ढिशगांव फिल्म में सनी देओल और हरमन बवेजा थे एंड पीएम नरेंद्र मोदी में विवेक ओबरॉय थे। एंड इन फिल्म में प्रशांत नारायण भी रहे होंगे किसी ना किसी कैरेक्टर रोल में वगैरह वगैरह। बट मर्डर टू में उस आइकॉनिक विलेन को पोर्ट्रे करने के बावजूद प्रशांत नारायण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में लिटरली काम नहीं मिला, लिटरली प्रशांत नारायण को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। और बात सिर्फ प्रशांत नारायण की नहीं है, जितने भी ऐसे लोग आए जिन्होंने सर्टेन लेवल पे आइकॉनिक विलेन्स प्ले किए हैं, चाहे आप मुकेश तिवारी को ले लो जिन्होंने गंगा जल या चाइना गेट वगैरह फिल्म में एक आइकॉनिक विलेन प्ले किया था, जमीन जैसे फिल्म में विलेन प्ले किया था, या आप यशपाल शर्मा को ले लो जिन्होंने लाखा का कैरेक्टर प्ले किया था या गंगा जल में विलेन प्ले किया था, उन लोगों को भी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिला। क्या उन लोगों ने खराब काम किया था एज विलेन्स? कि यशपाल शर्मा ने खराब काम किया था या मुकेश तिवारी ने खराब काम किया था या प्रशांत नारायण ने मर्डर टू में खराब काम किया? लिटरली किसी को काम नहीं मिला, लिटरली किसी को काम नहीं मिला। और इसकी वजहें क्या है, राइट? इसकी वजहें क्या? ऑफकोर्स मल्टीप्लेक्स कल्चर इसकी वजह है, ऑफकोर्स कॉर्पोरेट्स का आना इसकी वजह है, राइट? कॉर्पोरेट्स चाहते हैं हीरो हर फ्रेम में हो वगैरह वगैरह। बट इसकी कुछ ऐसी वजहें भी है यार जो दिखाई नहीं देती और मीडिया इस बारे में बात नहीं करता, मीडिया इस बारे में बात नहीं करता, राइट? और इसकी वजह क्या है? लुक, इसकी वजह है फिल्म के हिट होने का फॉर्मूला। फिल्म्स के हिट होने का फॉर्मूला एक मेजर रीजन है कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री आज के डे एंड एज में विलेंस को तैयारी नहीं कर रही। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री ने लिटरली अगर आप टेक्निकली देखोगे, रियलिस्टिकली अगर आप देखोगे, तो अमरीश पुरी के बाद किसी विलेन को तैयार नहीं किया, किसी विलेन को ऐसा तैयार नहीं किया गया यार कि एक्शन फिल्म बने तो इसको आप कंसिडर कर सकते हो, कोई भी ऐसा नहीं आया। और इसका रीजन है फिल्म के हिट होने का फॉर्मूला। 1980s 1990s में जब फिल्म बनती थी तो उनके हिट होने का फॉर्मूला क्या था? उनके हिट होने का फॉर्मूला था सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली एंड प्लैटिनम जुबली। 25 हफ्ते फिल्म थिएटर में लगी है सिल्वर जुबली, 50 हफ्ते थिएटर में लगी है गोल्डन जुबली, 75 हफ्ते लगी है प्लैटिनम जुबली। और उस बेसिस पे फिल्म सिल्वर जुबली के बेसिस पे हिट, गोल्डन जुबली के बेसिस पे सुपर हिट और प्लैटिनम जुबली के बेसिस पे फिल्म ब्लॉकबस्टर हुआ करती थी। एंड उस टाइम पे डायरेक्टर्स को ये चीज पता थी यार कि फिल्म थिएटर पे उतने टाइम तभी सस्टेन कर सकती है जब लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी हो, फिल्म में मल्टीपल ऐसे कैरेक्टर्स हो जो लोगों का जो अटेंशन है वो होल्ड करके रखें, राइट? इंडिया में आइकॉनिक हीरो और आइकॉनिक विलन का फेस ऑफ हुआ है वो कौन सा है?
वो हमेशा ही हमेशा प्रभु राम का वर्सेस रावण कर रहा है। प्रभु राम एक आइकॉनिक हीरो और रावण एक आइकॉनिक विलेन, और इनका फेस ऑफ ही एक आइकॉनिक हीरो और आइकॉनिक विलेन का फेस ऑफ रहा है, और वही लोगों का टेंशन होल्ड करते चला आया है हजारों सालों से आज तक, और आगे भी हजारों सालों तक वो टेंशन होल्ड करके रखेगा। और उस टाइम पे सुभाष घई जिन्होंने आइकॉनिक विलेन तैयार किए, या राजकुमार संतोषी जिन्होंने आइकॉनिक विलेन तैयार किए, या राकेश रोशन जिन्होंने आइकॉनिक विलेन तैयार किए, उनको ये बात पता थी कि उनको प्रभु राम जैसा एक हीरो चाहिए और रावण जैसा एक विलेन चाहिए जो ऑडियंस का टेंशन होल्ड कर सकता है। तभी ऑडियंस 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते तक हमारी फिल्म्स को थिएटर में लगने देगी, और तभी हमारी फिल्म हिट, सुपरहिट या ब्लॉकबस्टर हो सकती है, राइट? टेक एन एग्जांपल, लाइक दो औरतें हैं, राइट? एक औरत ने संडे को एक फिल्म देखी है, लेट्स से घायल या घातक, जिसमें बलवंत राय या कात्या का आइकॉनिक कैरेक्टर है। वो मंडे को फिल्म देखने के बाद अपने बच्चे को स्कूल ड्रॉप करती है। उसको उसकी एक फ्रेंड मिल जाती है जिसने घातक या घायल कोई भी फिल्म नहीं देखी है, वो भी अपने बच्चे को वहां पे स्कूल ड्रॉप करती है, और अब ये दोनों औरतें पैदल चल के अपने घर जा रही हैं। इसमें से पहली औरत जिसने देखी हुई है लेट्स से घायल फिल्म, वो बलवंत राय का कैरेक्टर डिस्क्राइब करती है दूसरी औरत को। दूसरी औरत को ये फील नहीं होगा यार कि आई एम मिसिंग आउट ऑन समथिंग, कि इतना आइकॉनिक कैरेक्टर, इसको थिएटर में देखना ही देखना है। शी नोज कि ओके, फिल्म अच्छी है, फिल्म थिएटर में लगी रहेगी। एंड देन उस टाइम पे वैसा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं था कि लोग फील भी अगर कर लें कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग तो वो दौड़ के चले जाएंगे फिल्म को देखने के लिए। फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ही बढ़ सकता है। ये दूसरी औरत जिसने बलवंत राय को उस आइकॉनिक कैरेक्टर को पर्दे पे नहीं देखा है, विलेन को, उस हीरो विलेन के फेस ऑफ को घायल फिल्म में नहीं देखा है, वो वेट आउट करेगी। वो वेट आउट करेगी जब वो अपने पड़ोसन से बात करेगी, वो अपने दूध वाले से बात करेगी, वो अपने राशन दुकान वाले से बात करेगी, और भी रिश्तेदार उसको बताएंगे जिन्होंने बलवंत राय का कैरेक्टर देखा है, नहीं देखा, उन्होंने इंजॉय किया, नहीं इंजॉय किया, तब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उस इंसान में, उस लेडी में जिसने घायल फिल्म नहीं देखी है, जिसने बलवंत राय का कैरेक्टर नहीं देखा है, उसके अंदर वो क्यूरियोसिटी डेवलप होगी। एंड देन व्हेन शी सीज की फिल्म यार 10 हफ्ते से, 15 हफ्ते से, 17 हफ्ते से थिएटर में लगी हुई है, लगातार लोग बात कर रहे हैं कि बलवंत राय का कैरेक्टर आइकॉनिक है, तब शी विल प्लान कि ओके, मुझे भी ये फिल्म थिएटर में देख लेनी चाहिए, कहीं ये फिल्म पर्दे से ना उतर जाए। और ये चीज राइटर्स और डायरेक्टर्स को उस टाइम पे पता थी कि फिल्म तभी थिएटर में 25 हफ्ते लग के हिट हो सकती है जब फिल्म ऑडियंस का टेंशन सस्टेन करे। ऑडियंस के अंदर आप एक हफ्ते, दो हफ्ते में ये नहीं अंदर इंस्टिंक्ट डाल सकते कि दे आर मिसिंग आउट। उनको पता है कि अगर आइकॉनिक फिल्म है तो थोड़े दिन थिएटर में लगी रहेगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वैसा नहीं है कि लोग तुरंत भाग के सैटरडे संडे या उसके अगले सैटरडे संडे या उसके अगले सैटरडे संडे देखने आ भी जाएंगे वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे। वर्ड ऑफ माउथ कितना भी बिल्ड हो जाए, बिकॉज ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोग तुरंत नहीं आ सकते। लोग आएंगे ओवर पीरियड ऑफ 4 वीक्स, लोग आएंगे ओवर पीरियड ऑफ 8 वीक्स, लोग आएंगे ओवर पीरियड ऑफ 16 वीक्स, और वो तभी हो सकता है जब आइकॉनिक कैरेक्टर फिल्म्स में हो, which is not the case today, which is not the case today. आज की day and age में films के hit, super hit और blockbuster होने का formula 25 हफ्ते, 50 हफ्ते, 75 हफ्ते theater में लगने का नहीं है। Film literally 5 दिन में hit हो रही है, 10 दिन में super hit हो रही है, और 14 दिन के अंदर film blockbuster हो रही है। और आज की date में directors और writers ने ये देख लिया है कि आपको प्रभु राम जैसा iconic hero और रावण जैसा iconic villain की जरूरत नहीं है। आप literally hero worship करा के, एक certain level की production value डाल के, film को hype up करके, audience को 5 दिन, 7 दिन theater में ला सकते हो, फिल्म को एवरेज करा सकते हो, फिल्म को सेमी हिट करा सकते हो, फिल्म को हिट करा सकते हो। अगर आप सुपर हिट ब्लॉकबस्टर नहीं भी पहुंचते तो आप फिल्म को एवरेज, सेमी एवरेज और हिट करा ही सकते हो। अगर आप प्रोडक्शन वैल्यू को एक सर्टेन लेवल के स्टार पर फिल्म में रखो, आपको कैरेक्टर्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। आज ये चीज डायरेक्टर्स को पता है, आज ये चीज राइटर्स को पता है। ऑडियंस के अंदर इस चीज को डाला जा सकता है कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। स्नैपचैट में जब कोई एक स्टोरी लगाता है कि एनिमल देख रहा हूं मैं थिएटर में, यू नो आई एम एंजॉइंग माई लाइफ, तो 10 लोग जो स्टोरी को देखते हैं उनको भी लगता है ओ माय गॉड यार ये देख रहे हैं, हम मिस आउट कर रहे हैं, हमें भी देखने चले जाना चाहिए। और आज लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ज्यादा है, क्योंकि लोग मिस आउट ना करें, लोग अगले ही दिन अपना थिएटर बुक कर देंगे। और आज के लोग भी करते हैं यार कि 200 रुपए क्या है यार, फिल्म अच्छी नहीं हुई तो नहीं हुई। बट 1980s में ऐसा नहीं था। 1980s में 10 रुपए, 15 रुपए, 20 रुपए की जितनी भी टिकट रही होगी, घायल की या घातक की या बल्लू बलराम वाले कैरेक्टर जो खलनायक में था, या ठाकुर दुर्जन सिंह जो करण अर्जुन में था, जितने भी रुपए की टिकट रही होगी, वहां पे लोग ऐसा नहीं बोलते थे यार कि फिल्म के लिए पैसे चले गए तो चले गए। वहां पे लिटरली फिल्म ही सब कुछ थी, एंटरटेनमेंट का एकमात्र मीडियम फिल्म था, फिल्म लोगों के लिए बहुत डियर था। और फिल्म में अगर लोग पैसा लगा रहे हैं उस फिल्म को देखने के लिए, तो लोगों को पूरा वैल्यू चाहिए। जैसे वैसे कैरेक्टर्स होने चाहिए फिल्म उतनी सस्टेन करनी चाहिए थिएटर में, फिल्म में वैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स होने चाहिए जो ऑडियंस का टेंशन होल्ड करें, विच इज नॉट द केस टुडे। लोग तो लिटरली बात करते हैं कि यार 500 रुपए वेस्ट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है यार, 500 रुपए कौन सी बड़ी चीज है, बालकनी का टिकट ले लिया, सबसे पीछे टीयर का टिकट ले लिया, वगैरह वगैरह। एंड आज की डेट में फिल्म के हिट होने का फॉर्मूला, उस टाइम पे फिल्म के हिट होने का फॉर्मूला बहुत ही अलग था। एंड दैट्स द रीजन कि आज की डेट में वैसे कैरेक्टर्स डेवलप करने की जरूरत नहीं है। लिटरली सीक्वल्स बना के, फ्रेंचाइजी फिल्म्स बना के, फिल्म को हाइप अप करके, फिल्म का प्रोडक्शन वैल्यू लगा के, फिल्म का सर्टन म्यूजिक लगा के, जो आपके कंट्रोल में है,
आप 5 दिन 7 दिन और 10 दिन ऑडियंस को थिएटर में ला सकते हो और आपकी फिल्म हिट या सुपर हिट हो सकती है। उस टाइम पे वैसा नहीं था, कितना भी प्रोडक्शन वैल्यू आप लगा लो, वहां पे आप कितने भी बेहतरीन गाने डालो, गारंटी नहीं है कि फिल्म में लोग पहले हफ्ते दूसरे हफ्ते तीसरे हफ्ते देखने आ जाएंगे। फिल्म तभी लोग देखने आएंगे जब एक फिल्म आइकॉनिक फिल्म बनेगी, एक एक्शन फिल्म तभी लोग देखने उस टाइम पे आएंगे जब एक आइकॉनिक हीरो आइकॉनिक विलेन हो। इंडियन हिस्ट्री में आइकॉनिक हीरो प्रभु राम है, तो एक आइकॉनिक हीरो होना चाहिए सनी देओल जैसा या व्हाट एवर संजय दत्त जैसा, जो एक पायस हीरो हो। एंड देन एक विलेन होना चाहिए करप्ट और एकदम छल कपट वाला, प्रेम चोपड़ा या प्राण या अमरीश पुरी। एंड देन सनी देओल या संजय दत्त का लड़ाई उस विलेन से होना चाहिए और देन हीरो विलेन को ढहा देता है वगैरह वगैरह, राइट। और आज वो करने की जरूरत नहीं है, आज उस चीज की जरूरत नहीं है। आपको ऑडियंस को सिर्फ 5 और 7 दिन थिएटर में लाने की जरूरत है, उसके बेसिस पे आपका बॉक्स ऑफिस जनरेट हो जाएगा, आपकी फिल्म हिट या सुपर हिट हो जाएगी। एंड राइटर्स ने इस चीज को आइडेंटिफाई कर लिया है और राइटर्स ने डिसाइड कर लिया कि आपको आइकॉनिक विलेन तैयार करने की जरूरत नहीं है, राइट। तो एक तो ये रीजन हो गया, एंड देन सेकेंडली द रीजन इज कि यार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री वालों को अब प्रशांत नारायण जैसे लोगों की, यशपाल शर्मा जैसे लोगों की, मुकेश तिवारी जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, राइट। ऑफ कोर्स जरूरत नहीं है, बिकॉज हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को विलेन कैसा चाहिए? हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को जेम्स बॉन्ड की यूनिवर्स का विलेन चाहिए, राइट। यूनिवर्स एक सर्टन फीचर का हो, उसके सिक्स पैक एप्स हो, सर्टन शेप में हो, उसकी एक मिस्ट्रेस होनी चाहिए जो टाइट स्लेट गाउन पहन के उसके साथ बैठे, फरारी में विलेन घूमना चाहिए, पैलेस में विलेन होना चाहिए, राइट। और इन पैरामीटर्स में प्रशांत शर्मा फिट नहीं बैठते हैं। प्रशांत शर्मा के वो शार्प फीचर्स नहीं है कि वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म के यूनिवर्स के विलेन लगे, राइट। और वो चीज हो रही है यार, वो चीज हो रही है। जितनी भी फिल्म्स आई है जो आप एक्शन फिल्म्स देख सकते हो, राइट, ये मेरे पास लिस्ट है एक्शन फिल्म्स की जो पिछले कुछ 10 साल में आई है। टेक दबंग, एक था टाइगर, बैंग बैंग, बागी, सिम्बा, वॉर, पठान, जवान, एनिमल, कौन सा आइकॉनिक विलेन है इसमें? कौन सा आइकॉनिक विलेन है इसमें? एक था टाइगर में कोई विलेन नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तानी कहानी है। बैंग बैंग में लिटरली अगर आप देखोगे कोई विलेन नहीं है। अगर वॉर में देखोगे एक हीरो ही विलेन है, टाइगर श्रॉफ ही सो कॉल्ड विलेन का कैरेक्टर प्ले करते हैं उस फिल्म के हिसाब से। यू टेक सम अ फिल्म लाइक पठान, उसमें एक ऐसा इंसान विलेन है जो हीरो है, हीरो के तौर पर उसको एक्सेप्टेंस मिल रही है, ऑफ कोर्स उस लेवल का लीड सुपरस्टार नहीं बन पाया है, राइट, जॉन अब्राहम, एंड देन वो विलेन प्ले कर रहे हैं। टेक दबंग, राइट, एक हीरो सोनू सूद जिन्होंने आशिक बनाया अपने काइंड ऑफ फिल्म्स में, हीरो का एक्टर प्ले किया था, दिल नशी गाना उनको मिला, उनको एक्सेप्टेंस नहीं मिली, उनको बैकिंग नहीं मिली, वो धक्के खा चुके हैं फिल्म इंडस्ट्री में। सलमान खान की फिल्म में उनको हीरो मिलने का ऑप्शन मिल रहा, विलन बनने का ऑप्शन मिल रहा है, वो विलन बन रहा है। सिमिलरली टेक फिल्म्स लाइक व्हाट एवर यार, एनिमल, एनिमल में कौन विलन है? एनिमल में वो विलन है जो एक टाइम पे हीरो हुआ करता था, वो फ्लॉप हो गया, देन 3 सीन्स विलन के डाले गए एंड फिल्म फिर भी हिट हो गई, फिल्म फिर भी ब्लॉकबस्टर हो गई। कोई आइकॉनिक विलन नहीं था एनिमल में, कोई आइकॉनिक विलन नहीं है वॉर में, कोई आइकॉनिक विलन नहीं है पठान में, कोई आइकॉनिक विलन नहीं है व्हाट एवर इन दीस काइंड ऑफ फिल्म्स, फिर भी फिल्म्स हिट सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही हैं, राइट। फिल्म्स हिट सुपर हिट ब्लॉकबस्टर किस बेसिस पे हो रही हैं? कॉर्पोरेट का माइंड्स आए हुए हैं यार, फिल्म 5 दिन 7 दिन 10 दिन में लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, उसके बेसिस पे फिल्म हिट सुपर हिट और ब्लॉकबस्टर हो रही है। लोग मेहनत नहीं करना चाहते, आइकॉनिक विलन तैयार नहीं करना चाहते, हीरो वर्शिप के बेसिस पे, फिल्म का सर्टन प्रोडक्शन वैल्यू के बेसिस पे, फिल्म के सर्टन म्यूजिक के बेसिस पे, और लोगों को ये कन्विंस करके कि दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग। अगर वो इस फिल्म को थिएटर में नहीं देखते हैं तो दे आर मिसिंग आउट ऑन समथिंग, लोग थिएटर में चले जाते हैं देखने के लिए, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स इट, एंड दैट्स द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट, राइट। और ऐसे सिचुएशन की वजह से प्रशांत नारायण जैसे लोगों का कुछ नहीं हुआ। ऑफ कोर्स जैसे कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कॉर्पोरेट का तो है, कॉर्पोरेट का एक एग्जांपल है, एक रीजन है कि कॉर्पोरेट चाहते हैं हर फ्रेम में हीरो हो तो विलेन की जरूरत नहीं है, राइट, वो चीज है। मल्टीप्लेक्स ऑडियंस एक सर्टन टाइप ऑफ विलेन एक्सपेक्ट करती है, वो चीज भी है, राइट। बट आई एम जस्ट सेइंग कि ये हिट होने का जो फॉर्मूला जो मैंने कहा 80s और 90s में था वो डिफरेंट था, एंड इट कंपेल्ड डायरेक्टर्स एंड राइटर्स टू राइट कैरेक्टर्स जहां पे अमरीश पुरी या वॉट एवर प्राण साहब, प्रेम चोपड़ा जैसे लोगों को, डैनी डोंजप्पा जैसे लोगों को, कुलभूषण खरबंदा जैसे लोगों को आइकॉनिक विलेंस के तौर पर बिल किया जाए। आज हिट फ्लॉप होने का फॉर्मूला, ब्लॉकबस्टर होने का फॉर्मूला बदल चुका है। आपको सिर्फ 5-7 दिन लोगों को थिएटर में लेके आना है और उसके लिए आपको आइकॉनिक विलेन तैयार करने की जरूरत नहीं है एक्शन फिल्म्स, राइट। सारे फैक्टर्स हैं यार, सिंघम काइंड ऑफ फिल्म में एक पॉलिटिशियन को विलन दिखाना, तो उन्होंने साउथ का विलन ले लिया, प्रकाश राज। राउडी राठौड़ एक साउथ की फिल्म की रीमेक थी, राइट, सिंघम भी साउथ की फिल्म की रीमेक थी, उनको एक साउथ का विलेन मिल गया, नासिर साहब बन गए राउडी राठौड़ में। एक आइकॉनिक फिल्म हॉलिडे, अ सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी, राइट, उसमें कौन था विलेन? फ्रेडी दारू वाला जो एक मॉडल हुआ करते थे, राइट, वो उसमें विलेन थे। 7 साल उन्होंने धक्के खाए हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, उनको ब्रेक नहीं मिला एज अ लीड हीरो। अक्षय कुमार की फिल्म में उनको विलेन का ऑप्शन बना, वो लेंगे, ऑफकोर्स वो लेंगे, राइट, उनको विजिबिलिटी मिलेगी। उसके बाद भी आने वाली फिल्म उनको विलेन के तौर पर कंसिडर नहीं किया गया, उनको विलेन के तौर पर बैंग बैंग में या वॉर में या पठान में किसी फिल्म को कंसिडर नहीं किया गया। हॉलिडे का सीक्वल भी बन जाए, देयर इज नो वे कि फ्रेडी दारू वाला को कंसिडर किया जाएगा। दुनिया की कोई भी फिल्म बने, इट डज नॉट मैटर कि फ्रेडी दारू वाला हो या ना हो, राइट। अभी फाइटर एक फिल्म रिलीज हुई है, राइट, एक ऐसे ही लड़के को हीरो के विलन के तौर पे लिया गया जो कि एक मॉडल दिखता है अपने फीचर्स के हिसाब से, अपने शेप के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से, अपने मैनरिज्म के हिसाब से, वो लिटरली हीरो और मॉडल दिखता है, उसको विलन लिया गया, राइट। जेम्स बॉन्ड काइंड ऑफ विलन, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस का विलन, राइट, सर्टन शेप एंड फॉर्म ऑफ फीचर्स के साथ। ऑल्दो ये स्टैंड आउट नहीं होता,
ये बंदा स्टैंड आउट नहीं होता फिर भी उस फिल्म का विलेन है, राइट। हॉलीडे सोल्जर इज नंबर ऑफ ड्यूटी में फ्रेडी दारू वाला स्टैंड आउट नहीं हो रहे थे, बट वो मैटर नहीं करता, वो मैटर नहीं करता। वो फिल्म मैजिकल है, फिल्म हीरो के पॉइंट ऑफ व्यू से चलती चली जा रही है, फिल्म की कहानी बेहतरीन है, उस फिल्म में विलेन कोई भी हो मैटर नहीं करता, राइट। फ्रेडी दारू वाला को ये ऑफकोर्स लगा होगा कि यार यू नो वो स्टैंड आउट कर जाएंगे, वो इतने बेहतरीन परफॉर्मर भी नहीं थे, वो स्टैंड आउट भी नहीं किए, बट जस्ट द फैक्ट कि जो स्टैंड आउट किया उसके पास भी तो काम नहीं है। प्रशांत नारायण जैसा कैरेक्टर स्टैंड आउट करता है इन अ फिल्म लाइक मर्डर टू, उसके बाद काम नहीं मिला। लाइक फॉरगेट फिल्म्स यार, फिल्म्स तो उन्होंने की, राइट, बी ग्रेड फिल्म्स उन्होंने की, आई एम टॉकिंग अबाउट मेनस्ट्रीम फिल्म्स। मेनस्ट्रीम फिल्म्स जो बनी, हॉलीडे या सोल्जर इज नेवर ऑफ ड्यूटी जैसी फिल्म में प्रशांत नारायण को कंसिडर किया जा सकता था, बट नहीं कंसिडर किया गया, नहीं कंसिडर किया गया यार, बिकॉज वो कोई इंडस्ट्री के फैमिली का हिस्सा नहीं है। कोई इनको ग्रूम क्यों करे, कोई इनको ग्रूम क्यों करे? डायरेक्टर को पता है, प्रोड्यूसर को पता है, अक्षय कुमार को पता है कि आप किसी भी विलन को लोगे फिल्म उतना ही बिजनेस करने वाली है, राइट। आप विलन आइकॉनिक तैयार करो ना करो, फिल्म की कहानी इतनी मैजिकल है, फिल्म का विजन एक सर्टेन लेवल का है, कोई भी विलन हो फर्क नहीं पड़ता, राइट, उनको फर्क नहीं पड़ता प्रशांत नारायण से, राइट। बैकिंग मैटर तो करती है यार, बैकिंग मैटर तो करती है, और प्रशांत नारायण के पीछे किसी की बैकिंग नहीं, किसी की बैकिंग, आप बैकिंग के लिए किसी को मजबूर थोड़ी कर सकते हो, किसी को मजबूर नहीं कर सकते बैकिंग के लिए, राइट। इंडस्ट्री अपने हिसाब से हीरो बनाती है, अपने हिसाब से विलन बनाती है, अपने हिसाब से सिंगर्स बनाती है, अपने हिसाब से म्यूजिक डायरेक्टर्स बनाती है, और अपने हिसाब से उनको कॉर्नर कर देती है। प्रीटी जिंटा को झूम बराबर झूम के बाद सिस्टमैटिकली कॉर्नर कर दिया गया, राइट। करिश्मा कपूर, गोविंदा और सलमान खान और डेविड धवन की हीरोइन हुआ करती थी, जैसे ही गोविंदा का डाउनफॉल हुआ, सलमान खान का वो डिफिकल्ट फेज आया था 2000s के डेकेड में, और डेविड धवन का जैसे ही डाउनफॉल हुआ डायरेक्टर के तौर पे, करिश्मा कपूर को सिस्टमैटिकली हीरोइन के तौर पर साइडलाइन कर दिया गया। शी वाज ओनली 29 इयर्स ओल्ड, 29 इयर्स के बाद उनको कोई फिल्म ही नहीं मिली एज अ लीड हीरोइन, एक भी फिल्म नहीं मिली उनको एज अ लीड हीरोइन, राइट। उसके बाद एक ही फिल्म उन्होंने की 2012 में डेंजरस इश्क नाम की, और तब से लेकर आज तक उन्होंने एक भी फिल्म नहीं की, एक भी फिल्म नहीं की, मे बी कोई फिल्म जीरो जैसे फिल्म में स्पेशल अपीयरेंस उनका होगा, राइट। And this is the way this industry works. This is the way this industry works, right? Prashant Narayan का वही character यार, Murder 2 आप जितनी बार भी देखो, धीरज पांड्या वो character आपको goosebumps दे देगा, goosebumps दे देगा वो character। Prashant Narayan जैसा talent, यशपाल शर्मा जैसा talent, मुकेश तिवारी जैसा talent, ये सारा talent waste होता है, ये सारा talent waste होता है, और ये उन लोगों के लिए example है जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आते हैं कि हम यू नो हीरो नहीं बनेंगे तो विलन बन जाएंगे, कैरेक्टर एक्टर बन जाएंगे, यू नो आप स्पॉट बॉय बन जाएंगे, आप कुछ लिटरली कुछ नहीं बनोगे, आप लिटरली कुछ भी नहीं बन पाओगे। जो लोग फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ चुके हैं किसी भी शेप पे एंड फॉर्म में, स्टंट मैन के तौर पे, टेक्नीशियन के तौर पे, स्पॉट बॉय के तौर पे, प्रोड्यूसर डायरेक्टर लीड हीरोज के तौर पे, कैरेक्टर एक्टर के तौर पे, उनके बच्चे भी फिल्म इंडस्ट्री से ही जुड़ना चाहते हैं। जो लोग टीवी सीरियल में काम करते हैं किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में, जो लोग एड की दुनिया में काम करते हैं किसी भी वे शेप एंड फॉर्म में, ये सबके बच्चे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ इट आप जोड़ लो उन लोगों को जो हिंदुस्तान के कोने कोने से आते हैं, NSD में पढ़ाई करते हैं, FTII में पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने के लिए। यू हैव दिस ह्यूज लॉट जहां पे बहुत से लोग टैलेंटेड हैं, बहुत से लोग टैलेंटेड नहीं है, बट सब कोई फिल्म्स में और मेनस्ट्रीम फिल्म्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। एंड द कंपटीशन इज वेरी डिफिकल्ट, द कंपटीशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, इट्स अ कटथ्रोट इंडस्ट्री। आप कितना भी आइकॉनिक परफॉर्मेंस दे दो, अगर आपके पास वो बैकिंग नहीं है, आप नहीं आगे बढ़ सकते। और प्रशांत नारायण के साथ ये हुआ। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि मर्डर 2 जैसा आइकॉनिक विलेन प्ले करने के बाद, मर्डर 2 में जो उन्होंने धीरज पांडे का कैरेक्टर पुल ऑफ किया है प्रशांत नारायण ने, वैसे आइकॉनिक विलेन पुल ऑफ करने के बाद उनको काम नहीं मिला। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रेडी दारू वाला, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट विद्युत जामा जिन्होंने टेम्पलेट ड्रिवन विलेन प्ले किए फोर्स फिल्म में, या इवन सोनू सूद जिन्होंने टेम्पलेट ड्रिवन विलेन प्ले किया इन दबंग, राइट। आई एम टॉकिंग अबाउट अ गाय यार जो लिटरली अपने डिस्टिंग स्टाइल से, अपने मैनरिज्म्स से स्टैंड आउट हो जाता है, वो लोगों को मजबूर कर देता है अपने बारे में बात करने के लिए। आप मर्डर 2 आज भी देख लो, टीवी पे देख लो, OTT पे देख लो, वगैरह वगैरह, मैंने तो थिएटर में देखा था। आप थिएटर से देख के निकलते हो, यू आर कंपेल्ड टू टॉक अबाउट हिम, बट दैट्स नॉट द केस एनीमोर, दैट्स नॉट द केस एनीमोर। आज कोई भी ऐसा विलेन नहीं है वॉर में, या पठान में, या जवान में, एनिमल में, जिसके बारे में आप बात करो, उसके बाद भी फिल्म्स आपकी हिट, सुपरहिट और ब्लॉकबस्टर हो रही है, राइट। And that's the way it works, yaar. You know, you've got a feel for Prashant Narayan. You've got to feel for Prashant Narayan, yaar. अब तो मैटर नहीं करता, लोग शुरू के 3-4 साल वेट कर रहे थे कि आज नहीं तो कल उनको फिल्म्स मिलेंगी, उनको कभी फिल्म नहीं मिली, उनको कभी फिल्म नहीं मिली। जो फिल्म्स का नाम मैंने गिनाया, इश्क या ढिशकियां या पीटर कैन डाई, वॉट एवर, यू नो, PM नरेंद्र मोदी, दी सन्स डोंट मैटर। इन फिल्म्स को रिकॉल वैल्यू नहीं है, फिल्म्स को थिएटर में कभी लोगों ने देखा, फिल्म का वर्ड ऑफ माउथ नहीं है। अगर उन फिल्म को आप देख भी लोगे तो वो फिल्म ऐसी मैजिक नहीं है कि आप लोगों को रिकमेंड करोगे, राइट। बट मर्डर 2 एक ऐसी फिल्म है जो आप देख लो, आप लोगों को रिकमेंड करोगे और लोग देखेंगे, वो भी इंजॉय करेंगे, प्रशांत नारायण का कैरेक्टर तो डेफिनेटली इंजॉय करेंगे, राइट। भटकैंप ने भी ग्रूम नहीं किया प्रशांत नारायण को, ऑफ कोर्स वो डिपेंड करता है कि भटकैंप कैसी फिल्म्स बना रहा था। भटकैंप का तो खुद भी डाउनफॉल हो गया यार, राज 3 लास्ट उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म्स थी, उसके बाद भटकैंप का भी उस लेवल की फिल्म्स बनी नहीं, राइट। इमरान हाशमी भी भटकैंप के हीरो होते थे, भटकैंप के डाउनफॉल के बाद इमरान हाशमी को भी वैसे लीडर वाले हीरोज बने नहीं, तो आप भटकैंप को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते कि भटकैंप ने प्रशांत नारायण को सेटअप नहीं किया, बिकॉज 2011 में मर्डर 2 आई थी, 2014 के बाद भटकैंप के लिए भी डिफिकल्टीज थी इंडस्ट्री में। बट यू नो इंडस्ट्री को विलेन की जरूरत थी भी, तो इंडस्ट्री जस्ट वेंट विद मॉडल्स, राइट।
मॉडल्स जो हीरो बनना चाहते हैं हीरो नहीं बन पा रहे, धक्के खा रहे हैं, वो सलमान की फिल्म में, अक्षय की फिल्म में, शाहरुख की फिल्म में, या इवन रणबीर की फिल्म में विलेन बनने को तैयार, राइट। एनिमल जैसे फिल्म में तीन सीन है विलेन के, ऐसा कभी नहीं होता, तीन सीन है विलेन के और फिल्म ब्लॉकबस्टर है, यू नो, क्योंकि राइटर्स को, मेकर्स को पता है आपको 15 दिन हार्डली ऑडियंस को थिएटर में लेके आना है, 10 दिन हार्डली ऑडियंस को थिएटर में लेके आना है सुपर एट या हिट या ब्लॉकबस्टर करने के लिए, और उनको पता है कि एक तगड़े विलेन के बिना ये हो सकता है इन एन एक्शन फिल्म। आपको ठाकुर दुर्जन सिंह की जरूरत नहीं है, आपको बल्लू बलराम की जरूरत नहीं है, आपको बलवंत राय की जरूरत नहीं है, आपको कात्या की जरूरत नहीं है, इवन केसरिया भी लाई थी, छोटा सा कैरेक्टर राम लखन में, यू नो आई एम अ बैड मैन, एक ही डायलॉग स्टैंड आउट हो जाता है, बट सुभाष घई का विजन था, आज उसकी भी जरूरत नहीं है यार, यू नीड एब्सोल्युटली नथिंग। हीरो वर्शिप, प्रोडक्शन वैल्यू, फिल्म को हाइप अप करके, सीक्वल, फ्रेंचाइजी फिल्म्स, एंड फिल्म्स कैन मेक द मनी, राइट। एंड प्रशांत नारायण जैसे कैरेक्टर्स, यू नो दैट काइंड ऑफ टैलेंट गोस वेस्ट, दैट काइंड ऑफ टैलेंट गोस वेस्ट, राइट। एंड दिस नथिंग दैट कैन बी डन, लोग तो अपना किस्मत आजमाएंगे, लोग तो अपनी जिंदगी का जुआ खेलेंगे हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आकर के, बट प्रशांत नारायण जैसा इंसान इस चीज की गवाह है, जीता जाता एग्जांपल है कि आप कितना भी मैजिक काम कर लो, कितने भी हार्डवर्क डेडिकेशन कर लो, गारंटी नहीं है, बैकिंग नहीं है और इंडस्ट्री को आपकी जरूरत नहीं है, आप कितने भी टैलेंट हो, कितना भी अच्छा परफॉर्म करो, इट डज नॉट मैटर, एंड दैट्स द वे इट इज। चलो बाय।